गुड मॉर्निंग, कैसे हैं बच्चों? हाउ आर यू चिल्ड्रेन? आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे, है ना? तो रिवीजन करेंगे कुछ वर्ड्स का. थ्री लेटर वर्ड्स है ये बच्चों. थ्री लेटर वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे कुछ, है ना? थ्री और फोर लेटर वर्ड्स ये पहले पढ़ा चुकी हूँ, आज रिवाइज करूँगी. A for ant, A-N-T, ant, A-X-E, X, B-A-T, bat, B-A-G, bag, C-O-W, cow, C-A-T, cat, D-O-G, dog, D-E-N, den. दो ही लिखना है, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है ना? E for eyes, E-Y-E-S, eyes, E-A-R-S, ears. यहाँ पे एक छूट रहा है इस बच्चों, अभी लिख देती हूँ. E-Y-E-S, eyes, E-A-R-S, ears, या E-G-G, egg भी. मतलब तीनों नहीं लिखेंगे आप लोग, आप लोग एक या दो याद करिए बस, है ना? दो बहुत है. जिसको दो में भी परेशानी हो रही है याद करने में, वो एक भी याद कर लेंगे थ्री लेटर वर्ड्स तो बहुत है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं, है ना? डी ई फॉर आईज, ई वाई ई एस आईज, ई ए आर एस ईयर्स, ई डबल जी एग. तीनों मैं बता दी हूँ, तीनों में जो आपको आसान लगे वो याद करेंगे, एक या दो. एफ फॉर फॉक्स, एफ ओ एक्स फॉक्स, एफ ए एन फैन, ओके. जी फॉर जिम, जहां एक्सरसाइज किए जाते हैं बच्चों, जी वाई एन जिम. फिर जी यू एन गन, ओके, इजी है ये. एच फॉर हट, एच यू टी हट, एच ए टी हैट, या एच ई एन हैन. तीनों आसान है, दो भी याद करिए, कोई जरूरत नहीं है आपको एक ही दो लिखने आएगा, तीन नहीं आएगा लिखने. I for ice, ice means बर्फ, I C E ice, I N K ink. ink पहले ना हम लोग पेन में ink भरते थे, स्याही बोलते हिंदी में, और उसी से लिखते थे. अब आजकल ये थोड़ा कम हो गया है. ink means स्याही. G for jam, J A M jam, J U G jug, आसान है. K for key, K E Y key, K I T kit, okay. L for leg, leg means pair, L I P lip, lip means होंठ. M for man, M A N man, M U G mug. N for net, जाली, N E T net, N U T nut. Nut means बादाम. O for owl, O W L owl, उल्लू. O I L oil, oil means तेल. O N E one, one means एक. P for pen, P E N pen, P E T pet, या P I G pig. तीनों में जो आसान लगे उसको पढ़िए. इतना आप लोग को लिखना भी नहीं है अभी, बस मैं केवल रिवाइज पूरे करा रही हूँ. Q for queen, बोलने आना चाहिए कि Q से क्या क्या होता है. Q से queen, Q से quilt, quilt means रजाई. R for rat, R for run, R A T rat means चूहा, R U N run means दौड़ना. S U N sun means सूरज, S O N sun means बेटा. T E A T, T means चाय, T O Y toy means खिलौना. यू आर एन अर्न, अर्न गुलदस्ता, जो फूल रखने वाला गुलदस्ता उसको बोलते हैं अर्न. यू एस ई यूज, कोई चीज को यूज करना है, या पेंसिल से आप क्या, पेंसिल का क्या यूज है, आप उसे लिखते हैं ना. वी फॉर वैन, वी ए एन वैन, वी ई जी वेज, वेजिटेबल. डब्ल्यू ई टी वेट, वेट मीन्स जाला, सॉरी वेट मीन्स सूखा भीगा हुआ कपड़ा. वेब मीन्स डब्ल्यू वी, वेब मीन्स जाला. एक्स फॉर एक्सरे, एक्स फॉर एक्स मास, एक्स आर ए वाई एक्सरे, एक्स एम ए एस एक्स मास. वाई फॉर याक, वाई ए के याक, वाई ई एस यस. जेड फॉर जू, जेड डबल ओ जू, जेड आई पी जिप. ओके चिल्ड्रन,
इसको आप लोग केवल रोज रीडिंग लगाइए, याद जरूर नहीं करना, रीडिंग लगाएंगे अपने आप आ जाएगा कि ए, कोई भी आपसे पूछेगा ए फॉर क्या क्या होता है बच्चों, तो ए फॉर एंड, ए फॉर एक्स, बी से क्या होता है, बी फॉर बैट, बी फॉर बैग, है ना, सी फॉर काउ, सी फॉर कैट, कोई एक भी याद करेंगे तो काम हो जाएगा। स्पेलिंग कोई एक का ही याद करिए, एक वर्ड लिख दीजिएगा बहुत है, आप लोग एलकेजी में बहुत कम पढ़ना है बच्चों। ओके, नाउ वी विल डू दिस एक्टिविटी बुक में, बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो इसमें आप लोग करेंगे पेज नंबर, यहाँ तक तो हो चुका है, हाँ पेज नंबर 28 एंड 29, पेज नंबर 28 एंड 29 यू हैव टू डू। देखिए हियर इज द लेटर जी, जी लेटर के बारे बताया गया, जी से क्या होता है, ग्लास, जी फॉर गेट, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्लव्स, ये कम से कम जानना चाहिए कि जी से क्या होता है, लिखना भले मत आए कोई बात नहीं, जी से ग्लास, जी फॉर गेट बोलने तो बोल सकते हैं ना, जी फॉर गोट, जी फॉर ग्लव्स, इतना सारे चीज है जी से। तो अब इसमें आपको कलर करना है कि कौन जी से शुरू हो रहा है, जी से गर्ल होता है, जी से गिफ्ट होता है, जी से गन होता है, ये वॉच है, ये हैट है, एप्पल नहीं होगा ये जी से, तो इसको छोड़ देंगे, जी लिखेंगे स्मॉल जी, है ना। अब देखिए यहाँ स्मॉल एच लिखना है, इसमें एच से क्या क्या होता है, एच फॉर हार्ट, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हेन, एच फॉर हैट, कितने सारे चीज हो गए हैं एच से, केवल है हार्ट, हॉर्स, हेन, हैट। स्पेलिंग मत याद करिए, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बोलने सीख जाइए, एच फॉर हैट, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हेन, एच फॉर हैट, है ना। मैं वॉइस मैसेज में केवल ये पूछूंगी कि क्या क्या चीज हो सकता है। अब यहाँ देखिए आप लोग को क्या करना है, यूज पेंट, पुट योर हैंड इम्प्रेशन हियर एंड यूज पेंट, यूज पेंट, ओके, ये स्मॉल एच लिखना है, यहाँ आप लोग स्मॉल एच लिख, इसको अभी रहने दे, इसे बाद में करूंगी मैं, इसको यहाँ पे बनाना है, हैंड इम्प्रेशन देखना होगा कि करना क्या, एच यहाँ स्मॉल एच लिखेंगे। ओके, ये दोनों पेज आपको 28 एंड 29 एक्टिविटी बुक में करनी है, और इसे केवल रीड करना है, लिखना नहीं है, और ये आप लोग बनाइएगा। ओके, वॉइस मैसेज में फिर आऊंगी, बाय।